हेलो दोस्तों, नमस्कार आपको मेरे चैनल पे। आज देखो बहुत ठंडी हवा, मौसम थोड़ा ना बारिश वाला हो रखा है, हवा चल रही है बहुत। देखो सारे झूम रहे हैं सारे पौधे। आज मैं आपको एक नया प्लांट अपना वेजिटेबल का दिखा रही हूँ। ये देखो जिसमें का नया हुआ है, मैंने बीज डाल दिया था, बढ़ रहा है, बड़ा हो जाएगा। न्यू है ये पालक में भी देखो फूल आने लगा है। आज मैं आपको दाल का जो यूज करते हैं, दाल धोते हैं, फिर से मैं दिखा रही हूँ। ऐसे तो मैंने पहले वीडियो बनाया है पर वो शायद आपको अच्छी डिटेल्स में नहीं पता हो। आज मैं बताती हूँ कि कैसे यूज करना है। आप दाल जो धोते हो, चावल धोते हो, उस पानी को तीन बार, कम से कम दो तीन बार तो धोते होगे, धोते हो तो उसको, उस पानी को फेंकना नहीं। इस पानी में बहुत विटामिन है जो प्लांट में डालते रहो। पानी के बदले जो डायरेक्ट आप पानी डालते हो प्लेन, उससे थारे सारे मिट्टी की विटामिन पानी के साथ बह जाती है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने दो तीन बार ऐसे करी, जैसे सिंचाई खेत में होता है उस तरह करी, से सारे प्लांट मुरझाने लगे थे। तो मैंने दिमाग लगाया कि सारे, लगता है मुरझाने की सबसे बड़ी रीजन है कि मिट्टी के साथ सारे विटामिन से लगता है बह जाता है। इसलिए मैं जो भी पानी यूज करती हूँ उसमें सारा, आपको पहले भी मैंने बताया, बनाना का फर्टिलाइजर और नींबू का, सबको फेंकती नहीं, छिलकों को पानी में डालकर रख देते हैं। दो तीन दिन यूज होता है, हो जाने के बाद उसको पानी में मिक्स कर उसी को मैं डाल रही हूँ। आजकल तो देख रही हूँ मैं सारे प्लांट है जो हरे भरे हो गए हैं, खड़े खड़े हो गए हैं। इसलिए आज आपको मैं इसका भी किस तरह यूज करेंगे इसके बारे में बताऊंगी। अब ध्यान से देखो, ये पानी जो है ये दाल का धुला हुआ पानी है और चावल का, दोनों का मिक्स है। डायरेक्ट आप अगर दो दिन अगर रखो तो उसमें नॉर्मल पानी मिक्स करके ही यूज करना है। पर अगर आप तुरंत डालना है तो तुरंत आप डायरेक्ट डाल सकते हो, ऐसा नहीं है, इसमें पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। पर जब भी दो तीन दिन हो जाए तो उसे आप उसमें नॉर्मल पानी यूज करके ही, मिलाकर मतलब यूज करना है। अब जैसे कि ये आप देख रहे हो, कम से कम एक गिलास पानी का है इतना। इसको आप डायरेक्ट सब प्लांट में, फ्लावर के प्लांट में, जितने भी प्लांट हैं सब में एक एक गिलास ऐसे डायरेक्ट डाल सकते हो। इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका सारा प्लांट है जो हरा भरा लगेगा, मिट्टी की भी रंग चेंज हो जाती है, इससे सारे मिट्टी काला हो जाते हैं। मैं तो डेली ऐसे ही करती हूँ, खाना बनाती हूँ और जितने भी पानी है सबको फेंकती नहीं हूँ, सबको प्लांट में इस तरह डालते रहती हूँ। कल मैं डायरेक्ट पानी का देख रहा, मेरा मिट्टी का कलर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ये देखो मैंने सदाबहार को काट दिया, ठंड में सारे मुरझा गए थे। देखो धीरे धीरे इसके पत्ते खड़े होने लगे हैं। ये चमेली का देखो, इसमें भी फूल आने लगा, सीजन है वो फूल आने लगा। इसके
उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी। इसमें अभी आ नहीं रहा है, ये है पहला। अब इस फर्टिलाइजर के बारे में यही है कि आप इसमें सारे विटामिन सारे हैं, प्रोटीन निकल जाते हैं, इसे प्लांट में डालने से प्लांट को सारे को विटामिन्स मिल जाता है, ऐसे ग्रीनरी बनी रहती है। देखो इसमें अभी अब मैंने पहले वीडियो में दिखाया था आपको, ये पीले पीले पत्ते हो रहे थे, इसमें देखो सारे हरे लगे हैं, सारे आज हवा चल रहा है, सारे प्लांट झूम रहे हैं। अच्छा दोस्तों, चमेली के फूल के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार सभी को।